Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala sayyidil anbiya wal mursalin amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim falamma ahassa isa minhumul kufr qala man ansari lillah qala al hawariyyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun sadaqallahu al-'aliyyul 'azhim wa ballaghana rasuluhu an-nabiyyuna minal karim wa nahnu 'ala dhalika lamina shahidin wa shakirin wa alhamdulillahi bil 'alamin. ये आयत नंबर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 52 है 52, और इन आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पहले की आयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के मौजज़ात का ज़िक्र किया, आपकी विलादत का उससे पहले ज़िक्र हुआ, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने मौजज़ात और फिर तौरात की तस्दीक वगैरह का ज़िक्र किया। अब फिर उन्हें तालीम दी कि तुम यानी मेरा तुम्हारा सबका रब अल्लाह है, तो चलो आओ एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं और यही सिरात मुस्तकीम है, इसी पर आपको आना चाहिए। तो कौम मानने वाली नहीं थी, ये कौम थी यहूदी कौम। बनू इसराइल में अंबिया किराम का सिलसिला चला आ रहा है, सबको मानते आए, लास्ट हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी मान लिया, हज़रत मूसा के बाद भी बहुत से अंबिया किराम आए मानते गए, लेकिन जब हज़रत ईसा आए ना, ये वो दौर था कि जब वो एक यानी शोर मचा हुआ था, आखिरी नबी आने वाले, तो हर किसी को इंतज़ार था। यहूद हुजूर को यानी तौरात में हुजूर के अवसाफ बयान किए गए थे कि वो ऐसे होंगे, तो हुजूर को वो ऐसे यूँ माइंड सेट किए हुए थे, ऐसे जानते थे जैसे अपनी औलाद को जानते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, पहले पारे में आपने तफसीर में गुजर चुका कि उलाइक या अरिफूना कमा या अरिफूना अबनाहुम, वो लोग आपको ऐसे ही जानते पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को जानते पहचानते। तो बहुत यानी क्लियर उन्हें पता था कि वो कैसे होंगे। और फिर हज़रत इमरान जो हज़रत मरियम के वालिद हैं, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उन्होंने बशारत दी थी कि यानी कि बच्चा पैदा होगा, मेरी बीवी को बच्चा पैदा होगा। उनकी बीवी बूढ़ी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा उम्र थी कि जिसमें बच्चे आम तौर पर पैदा नहीं होते। तो अब यहूदियों में थोड़ा सा यानी कि ये था मसला कि कौन होगा वो आखिरी नबी आने वाला है, ये घर में आएगा, इमरान के घर पैदा होगा। हज़रत इमरान को सरदारी, बनू इसराइल की सरदारी हासिल थी, और हज़रत इमरान के बाद फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे, वो सरदार थे। तो यहूदी जो है वो इस ख़ानदान के थोड़ा अगेंस्ट में थे, इनकी यानी थोड़ी सी दिली यानी कि नफ़रत थी, या समझ लें कि दिल से यानी वो पसंद नहीं करते थे। ना पसंद करने की वजह ये कि यहूदियों को अपनी थोड़ी सी दुकान ऊपर रखनी थी, अपनी दुकान चलाते रहना था। अगर वो आखिरी नबी पैदा हो जाता तो हमारा तो कबाड़ा हो जाएगा, हमारी तो दुकानें बंद हो जाएगी। तो अब ये खिड़कियाँ बंद कर देना चाहिए। तो हज़रत इमरान के घर विलादत हुई सैयदा मरियम की, हर कोई बाहर इंतज़ार कर रहा, वेट कर रहा था कि बच्चा पैदा होने वाला है। तो अब ये था कि भाई वो बच्चा, चलो देखते हैं, सारे जमा थे। जब बच्चा पैदा हुआ, वो निकली लड़की, सैयदा मरियम की विलादत हुई, तो भाई बाहर खबर आई कि भाई लड़की पैदा हुई है, तो सब यहूदी खुश, चलो अच्छा हुआ, सुकून है ना कि वो नहीं आए। अब उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम से हज़रत ईसा पैदा हुए, और वो बनू इसराइल के आखिरी नबी हैं, बनू इसराइल पर जो है नबूवत ख़त्म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में वो औसाफ़ आखिरी नबी के औसाफ़ तो थे ही नहीं, वो बिल्कुल अलग हैं। तो हमने जो औसाफ़ पढ़े वो तो इनमें है नहीं, तो ये आखिरी नबी हो नहीं सकते, तो ये नहीं, हम तो वेट कर रहे हैं किसका, आखिरी नबी का, तो ये नबी नहीं। अब यहाँ से दुश्मनी शुरू हो गई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। तो ये दुश्मनी इतनी चली कि इन्होंने एक दिन कत्ल का इरादा भी कर लिया। तो उसी को अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत मुबारक में ज़िक्र फरमाया, और आगे अब हज़रत ईसा के इस दुनिया से आसमानों की तरफ जाने का जिक्र आने वाला है आइंदा तफसीर में। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है, ऊपर यानी हज़रत ईसा ने मौजज़ात वगैरह का जिक्र किया और एक अल्लाह की इबादत की जानिब इन्हें दावत दी। फरमा अहस्स ईसा मिनहुमुल कुफ्र, तो जब हज़रत ईसा को ये महसूस हो गया उनसे कुफ्र, उनसे यानी महसूस हो गया कि ये कुफ्र यानी करने वाले। अब यहाँ उलमा फरमाते एक एहसास करना, लेकिन एहसास जो ना एक यानी महसूस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं,
किसी ठो यानी हम किताब है कुरान है हम इसे महसूस कर सकते हैं, रियाल को, टेबल को, किताब को, मोबाइल, कोई भी जो भी चीज़ है जिसे हम टच कर सकते हैं जो ठोस है हम इसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम यानी ऐसी चीज़ों को इल्म आप उसे महसूस नहीं कर सकते। तो हवास से यानी कि नाक, कान, आँख, टेस्ट, ज़बान वगैरह से जिस चीज़ को हम जान सकते हैं उसे एहसास कहते हैं, उसी को हवास कहते हैं, एहसास कहते हैं। और अगर इनसे ना जाना जाए तो फिर वह एहसास नहीं है, दिल में ख्याल आता है वो एहसास नहीं, वो विजदान है, वो वसवसा है, वो कुछ और है। तो बहरहाल एहसास ये किसी महसूस चीज़ ही से हासिल होगा और वो इन पांच चीज़ों से है ना, टच से या आँखों से या सुनकर या सूंघ कर या टेस्ट करके हमें पता चलेगा। ये पांच चीज़ों से तो हम समझ जाएंगे। यानी एक बंदा जो है ना अचानक अंधेरे में भी हाथ लगा और हाँ नरम और नाजुक कोई चीज़ है, पता नरम चीज़ है ये पता चला ना, या कोई कड़क चीज़ है या खुरदूरी चीज़ है ये पता, ये है एहसास है ना। आपने अचानक आप ऐसे आराम से बैठ के बातें कर रहे थे, अचानक नाक बंद कर ली, क्यों? आपको एहसास हुआ कि किसी ने हवा खारिज की है, माहौल बिगाड़ा है, तो आपने नाक बंद कर ली। अगर कोई बंदा आया, आप बैठे हुए थे सारे लोग, एक कोई बंदा आया तो अरे यार ज़ोरदार कौन सा अतर लगा, आपने फ़ौरन पूछा, क्यों? इसलिए कि आपने एहसास किया उस खुशबू को नाक के ज़रिए से, है ना। इसी तरह हलवा या खाना हम टेस्ट करते हैं तो ये सारे एहसास है। तो अब ये इल्म है, जहालत है, ये सब तो महसूस चीज़ें नहीं है। तो कुफ्र और ईमान भी महसूस चीज़ नहीं है। एक बंदा आए और आपको महसूस हो जाए कि ये काफिर है कि मुसलमान है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भाई एक बंदा है कोट पैंट टी शर्ट या जींस में है और वो आया आकर खड़ा है ना बिल्कुल एकदम फैशनेबल अंदाज में, आपको कैसे पता चलेगा कि वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है? नहीं पता चले। तो ईमान और कुफ्र ऐसी चीज़ है जो महसूस नहीं होती। तो अल्लाह ने यहाँ क्यों फरमाया, फरमा हस ईसा मिनहुमुल कुफ्र, जब हते ईसा को उनका कुफ्र महसूस हुआ। तो बाज़ लोग कहते हैं कि यहाँ एहसास से मुराद एक जहन में आ जाना, जिसे हम भी कहते हैं एहसास कह देते हैं, है नहीं लेकिन कह देते हैं, या मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ ख़राब होने वाला है। ये जो हम कहते हैं ना, मुझे महसूस हो रहा था, मुझे एहसास था कि कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है, तो हम उसे एहसास कह देते हैं। हालांकि वो एहसास नहीं है, एहसास तो इन पांच चीज़ों से होगा, वही होगा, वो होता विजदान अंदर की, दिल की कैफे। लेकिन फिर भी हम उसे एहसास कहते, हो सकता है इसी को एहसास कह दिया हो। लेकिन ज़्यादातर मुफस्सिरीन फरमाते बात ऐसी नहीं है, उसे एहसास अल्लाह ने नहीं फरमाया, इसलिए अल्लाह जानता है कि एहसास किसे कहते हैं, वो हम हैं जो कह देते हैं एहसास। यहाँ एहसास से मुराद ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके कुफ्र को देखा, उनके कुफ्र पर इसरार को देखा कि वो मुझ पर ईमान, मैं इतना समझा रहा हूँ, इतने मौजज़ात दिखा रहा हूँ, लेकिन वो मुझ पर ईमान लाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि दुश्मनी बढ़ती जा रही है। तो ये है एहसास, देखना, उनका कुफ्र देखा, उनके कुफ्र के आमाल देखे। या बाज़ मुफस्सिरीन ने तो फरमाया कि जैसे बहुत से यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों, या बहुत से यानी कि अंबिया इकराम, या बहुत से औलिया इकराम ऐसे होते हैं कि जिनके लिए गैर महसूस चीज़ को भी महसूस करा कर दिखा दिया जाता है, महसूस बना कर दिखा दिया जाता है। जैसे हम कल क़यामत में जाएंगे ना, आज तो नहीं लेकिन क़यामत में जब होंगे ना, तो हमारे सारे आमाल महसूस होंगे और महसूस शक्लो सूरत में आएंगे। यानी वो पहाड़ जितनी नेकी होगी, एक पहाड़ यार मेरे नाम है आना, इतनी ये नेकी भी है, कहते ये एक है, घबरा मत, ये एक है, ऐसी तो अभी और हज़ारों करोड़ मौजूद है, तेरे को बाद में बताते हैं, ये तो एक है, पहली है। अच्छा ये एक ही है, मैं तो समझा था पूरी ज़िंदगी की नेकियाँ यही होगी, लेकिन पता चला कि ये तो एक ही नेकी है। दूसरी आई, वो भी एक पहाड़, और पहाड़ के बराबर की नेकी, दो पहाड़ हो गए, है ना। कहा अभी तो ये दो ही है, अभी तो स्टार्टिंग, एक ही अमल की ये दो नेकी, यानी ये दो नेकियाँ एक ही अमल की है। वो कौन सा अमल? कि बंदा नमाज जनाजा में शरीक हुआ, दफन तक साथ रहा, दफना कर वापस लौटा, अल्लाह ने दो पहाड़ जितना सवाब अता फरमाया है। सवाब कमाना तो बहुत आसान है, गंवाना भी बहुत आसान है, कमाने से भी ज़्यादा उड़ाना। आप अक्सर देखते होंगे ना, कमाने में बहुत मेहनत है लेकिन उड़ाने में कोई मेहनत नहीं, उड़ाने में कोई मेहनत नहीं। आप खून पसीना बहाकर है ना, पूरा महीना मेहनत मजदूरी मशक्क़त करके आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 रुपया कमाया ना, तो वो 20,000 आप एक रात में, एक दिन में ख़त्म,
महीने भर की कमाई एक दिन में उड़ा सकते हैं। अगर आप कह सकें हाँ आप समझते हैं कि भाई मुझे महीना चलाना है तो आप मैनेज करके चलते हैं, लेकिन उड़ाना चाहे ना तो उड़ाने में तो कोई मेहनत ही नहीं लगती है, है ना। बंदा ऐसे ही बस यूँ फेंके, भाई एक सीधी सिंपल सी बात है ना कि 20,000 रुपया आया, आज आखिरी तारीख थी तो लेकर आया 20,000 रुपया, आते आते घर पहुँचने से पहले ही मोबाइल की दुकान में घुसा, है ना, और मोबाइल ले लिया 20,000 का। एक था 21 का, एक था 22 का, यार ये तो बजट से ज़्यादा है, थोड़ा कम, तो 15-16 वाला ये नहीं, थोड़ा सा 20 टाइप का हो तो उस रेंज में लेना है, तो ये पूरा 20 उड़ा कर आया, एक ही झटके में 20 चले गए, है कि नहीं, पूरी महीने की। तो ये कमाना बड़ा यानी कि मुश्किल होता है, उड़ाना बहुत आसान होता है। तो इसी तरह हमारी नेकियां कमाना तो थोड़ा मुश्किल है, ये दो पहाड़ जितनी नेकियां कमाने में हमको क्या यानी परेशानी थी, हालांकि वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी है परेशानी क्या कि हमें जनाजे में शिरकत करनी है, घर से आना है, शिरकत करनी है, फिर चलकर जनाजे को लेकर जाना और वहाँ पहुँचकर दफन हो जाए, दफन कर दिया जाए, मिट्टी डाल दे, तब तक वहाँ वेट में खड़े रहना, इतना इंतज़ार करना, खड़े खड़े पैर दुख रहे हैं फिर भी खड़े हैं, है ना। तो ये थोड़ी सी मेहनत का काम था, हमने दो पहाड़ जितनी नेकियां कमाई, दो ओहद पहाड़ जितनी नेकियां कमाई, लेकिन फिर हुआ क्या, हम आकर यहाँ गीबत करना शुरू, हमने गीबत करना शुरू कर दिया, या तो मुर्दे की कर रहे हो ना, तब तो एक ही बात में सारी नेकियां गायब हो गई, और अगर दूसरों की कर रहे हैं जिंदों की तो थोड़ी थोड़ी करके जा रही है, लेकिन अकाउंट खाली हो रहा है, और 5-10 मिनट में आपने पूरे दो पहाड़ खाली कर दिए, उड़ा दिए। तो जहाँ कमाना आसान है, आसान से मतलब ये कि है भाई ये इतनी नेकियाँ सिर्फ इतने से अमल पर, एक बार सुभान अल्लाह बोलो तो एक पहाड़, एक बार सुभान अल्लाह बोलो तो फिर कहने की बात ये कि कमाना भी आसान है लेकिन उड़ाना उससे भी ज़्यादा आसान है। बंदा बस गीबत शुरू करे ना तो उसकी नेकियाँ तो ऐसे उड़ती है जैसे हाँ भाई हवा में धूल मिट्टी उड़ती है ना, वैसे उसकी नेकियाँ उड़ जाती है, राख बनकर उड़ जाती है। तो हमें चाहिए कि हम इसमें थोड़ी सी एहतियात बरतें, थोड़ा सा परहेज़ करें, अपनी नेकियों को बर्बाद ना करें। तो हज़रत ईसा हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि वहाँ हमारे नामे आमाल जो है महसूस अभी महसूस नहीं है, लेकिन वहाँ अमल यानी कि चोरी की, वो चोरी भी एक यानी कि कोई चीज़ बना दी जाएगी, या एक यानी कि फिज़िकल एक यानी कि चीज़ होगी, फिज़िकली उसे बना दिया जाएगा कि भाई ये चोरी है, वो पता चलेगा कि ये चोरी है, ये फना काम है, ये गुनाह है, ये गुनाह है, या ये नहीं किए नमाज, तो नमाज हमने पढ़ी है, अब उसे वज़न करना है, तो कैसे वज़न करें, उसको फिज़िकल ले आया जाएगा कि फिज़िकल में यानी कि आ जाएगी भाई ये एक नमाज, ये दो नमाज, ये तीन नमाज, और फिर उसे रखा जाएगा ये एक नमाज, ये दो नमाज, ज़िंदगी भर की नमाज़ों की ढेर लगेगी, है ना। अब वज़न किया जाए तो हमारे आमाल को है ना फिज़िकल किया जाएगा, तो कहते हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला अम्बिया औलिया के लिए यहीं पर फिज़िकल कर दे और उसे आमाल नज़र आने लगे। और तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनका कुफ्र महसूस हुआ, कुफ्र क्या महसूस हुआ कि उन्होंने कत्ल करना चाहा और कत्ल की प्लानिंग, कत्ल का इरादा किया, कत्ल की प्लानिंग की और नबी का कत्ल करना ये भी कुफ्र है, ये भी कुफ्र है। अच्छा ये कि मिनहुम उनसे, तो इसमें बहुत से लोग हैं, यहूदी हैं बहुत से यहूदी, हालांकि ये काम तो एक ही बंदे को दिया गया था, एक ही बंदे को जिसका नाम जो है ना ततलियानूस था उसका नाम, तो उस एक बंदे के हवाले किया भाई तू जाकर कत्ल कर दे, तो एक ही बंदा था, लेकिन अल्लाह ने मिनहुम फरमाया उनसे यानी यहूदियों से, इसलिए कि अगरचे कत्ल करने वाला एक ही था कि वो आ रहा था, एक ही आदमी कत्ल करने आ रहा था, लेकिन इरादा सबका था, कत्ल का इरादा सबका था, मदद सबकी थी और सब ने मिलकर लालच दी हुई थी तू कत्ल कर दे तो हम तुझे इतना इनाम देंगे, ये देंगे, वो देंगे तेरे, तो ये सारे लोग। तो अमल में आमाल में अगर आप किसी की हेल्प करते हैं ना तो आप भी वो अमल करने वाले शुमार किए जाएंगे, चाहे आप यानी कि उसकी मदद करें उस काम में या उसे रग़बत दिलाएं, शौक दिलाएं उस काम के लिए, तो आप भी उस अमल में शरीक हो जाएंगे। ये क्या कि आपने नमाज के लिए रग़बत दिलाई और आपकी रग़बत से शौक दिलाने से वो बंदा आ गया, आपके ज़िद करके लाने से वो बंदा आ गया, तो जैसे उससे सवाब मिलेगा आपको भी सवाब मिलेगा, आपका अपनी नमाज का तो मिलेगा, उसे लेकर आए हैं उसका भी सवाब मिलेगा। और वैसे ही आपने है ना आकर किसी फिल्म की तारीफ़ की, ओह आपने तो देखी तो आपने तो गुनाह कर लिया, आपने तो गुनाह कर लिया देख ली, आकर अब दूसरे यानी कि दोस्तों को आप स्टोरी सुना रहे हैं
या वो देखने जैसे हैं, ज़ोरदार बहुत जोर, इसकी स्टोरी है क्या बना, ये है वो है फलान, शुरू हो गया बंदा, सामने वाले को भी शौक हुआ नहीं अब देखनी चाहिए, वो थिएटर पहुँचे ना पहुँचे पहले ही यूट्यूब पर तलाश कर रहा है, फेसबुक पर तलाश कर रहा है कि मिल जाए, मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो फिर थिएटर जाएगा, लेकिन देख कर आएगा। क्यों देखा इसने? इसलिए कि आपने उसे शौक दिला दिया था बहुत ज़ोरदार कहकर, तो उसने देखी, उसका गुनाह उस पर है, लेकिन आपने शौक दिलाया था ना, तो उसका गुनाह आप पर भी होगा, उसके देखने का गुनाह आप पर भी होगा। तो ये यानी कि सारे लोग इसमें शरीक हैं। तो कहते हैं जब हत फरमा हसा ईसा मिनहुमुल कुफ्र, जब हत ईसा अलैहिस्सलाम को उनका कुफ्र महसूस हुआ, और मन अंसारी लल्लाह, तो हत ईसा अलैहिस्सलाम तो तस्लीम ने ये ऐलान किया कि कौन है ना अल्लाह की राह में मेरा मददगार है, कौन अल्लाह के, मन अंसारी, कौन मेरा मददगार है, इल्लाह अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में मेरा मददगार कौन है, कि ये मेरी जान के दुश्मन हैं और मुझे कत्ल करना चाहते हैं, तो अब कोई तो हो कि जो मेरा मददगार बन जाए तो, और यहूदियों से मुझे बचाए। तो उसमें से जो है ना बाज़ ऐसे लोग थे, قال الحواریون نحن انصار الله, हवारियों ने कहा हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह के मददगार हैं। قال الحواریون نحن انصار الله, हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं। अब ये यानी कि हवारी जो ना, हवारी कहते हैं साथी को, मदद करने वाले को, मददगार को कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे हवारी ज़ुबैर इब्ने अव्वाम हैं, मेरे हवारी ज़ुबैर इब्ने अव्वाम रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, मैंने वाक़यात उनके बयान किए हुए हैं, है ना। तो हद ज़ुबैर इब्ने अव्वाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ये मेरे हवारी हैं, उन्होंने सरकार ने बहुत सख्त हालात में उन्हें यहूदियों की खबर लाने के लिए भेजा था, और बहुत सख्त हालात में जा जाकर वो आंधी तूफ़ान में जाकर ख़बरें ला रहे थे, तो सरकार ने फरमाया कि मेरे हवारी हत ज़ुबैर इब्ने अव्वाम। तो बहरहाल ये यानी कि हवारी कहते हैं कि जो बंदा मदद करने वाला हो, हमेशा हमारा साथ देता हो। और उन्होंने कहा, हवारियों ने कहा यानी हत ईसा अलैहिस्सलाम के जो ईमान रखने वाले लोग थे वो चंद अफराद थे, 12 लोग, तो चंद अफराद चंद लोग थे कि जिन्होंने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं, यानी अल्लाह के मददगार, मतलब हत ईसा की मदद करना अल्लाह की मदद करना, हत ईसा की मदद अल्लाह की मदद है। तो कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं, मतलब अल्लाह की राह में हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। तो ये यानी कि हवारियों ने ये बात कही, और ये कहा कि आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, और ऐसा गवाह हो जाए, वशहद आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं, हम इताअत गुज़ार हैं, मुसलमान कहते हैं इताअत गुज़ार को, है ना, तो आप गवाह बन जाएं कि हम मुसलमान हैं। तो इन आयात में, ये आयत मुबारका कुरान पाक में बयान की गई, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ऐ महबूब, ये कुफार आपको सताते हैं, आपकी वाज़ो तबलीग का इन पर कोई असर नहीं होता, तो आप और ये आप पर ईमान नहीं लाते, तो महबूब आप रंजीदा ना हो, गमगीन ना हो, आप परेशान ना हो, आपसे पहले भी लोगों ने अपने अपने ज़माने के अंबियाए किराम के साथ ऐसा सलूक किया है कि उन्होंने बहुत यानी कि काम किया, बहुत मेहनत की, मौजज़ात दिखाए, फिर भी ईमान नहीं लाए, फिर भी ईमान नहीं लाए। ये देख लें हत ईसा का हाल, अल्लाह ने हत ईसा का हाल बयान कर दिया कि हत ईसा अलैहिस्सलाम तो तस्लीम जो है, उन्होंने मौजज़ात भी दिखाए और सारी चीज़ें बताई, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि मैं तौरात का झुठलाने वाला नहीं हूँ, कि तौरात अच्छी किताब नहीं थी, वो बेकार थी, उसको छोड़, नहीं, मैं तो तस्दीक करने आया हूँ कि तौरात भी अल्लाह की किताब थी, लेकिन अब मैं आया हूँ तो मेरी किताब होगी इंजील, है ना, लेकिन मैं तौरात की तस्दीक करने आया हूँ। तो उन्होंने बहुत समझाया लोगों को, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, लेकिन वो नहीं माने, तो ऐ महबूब ये कुफार मक्का भी ऐसे ही हैं, अगर वो ईमान नहीं लाते, आपकी बात नहीं मानते, आपकी वाज़ो तबलीग का अगर इन पर कोई असर नहीं होता, या रसूलल्लाह आप गमगीन ना हो, आप रंजीदा ना हो, टेंशन ना लें, बेफिक्र रहें, है ना, अल्लाह ताला कुछ ऐसे अफराद खड़े करेगा, है ना। हत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ तो मुख्तसर जमात थी, तो अल्लाह ने हत ईसा को आसमान में उठा लिया, आसमान में उठा लिया, लेकिन फिर आएंगे ना, फिर आएंगे वापस दोबारा कुर्ब क़यामत, तो फिर ये उम्मत मुस्तफ़ा आपके साथ होगी, उम्मत मुस्तफ़ा आपका साथ देगी, और हत ईसा अलैहिस्सलाम और हत ईसा अब आएंगे तो उम्मत ही के तौर पर आएंगे, नबी के तौर पर नहीं आने, इस उम्मत के नबी और रसूल नहीं हैं, वो इस उम्मत की उम्मत ही हैं, हाँ, बस ये है कि वो अगले ज़माने में नबी और रसूल थे, तो हमारी तरह नहीं है, वो हमारी तरह
नहीं है, लेकिन ये कि वो होंगे, आएंगे और फिर हत इमाम महदी की इमामत में नमाज़ पढ़ेंगे। इमाम महदी कहेंगे अगर आप नमाज़ पढ़ाएं तो हत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं नहीं आप ही पढ़ाएं, है ना। और हत इमाम महदी आला यानी आले रसूल हैं, सादात में से हैं। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जो है अपने महबूब को तसल्ली अता फरमाई कि आप रंजीदा ना हो। अब यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम के सामने मौजज़ात पेश किए, तो उन्होंने इताअत के बजाय क्या किया, ये सारे मौजज़ात देखने के बाद उन्होंने क्या किया, कत्ल का इरादा किया। और जो सेम पोजीशन यहाँ हज़रत ईसा की, वही सेम पोजीशन सरकार की भी, सेम पोजीशन। यहाँ इन्होंने मौजज़ात देख कर इनकार कर दिया, इनकार करके कत्ल का मनसूबा बनाया कि इनको ख़त्म किया जाए। हुजूर के ज़माने में देख लें तो हुजूर ने भी मौजज़ात दिखाए, यहाँ तक के यानी ज़मीन के तो ज़मीन के, आसमान का दिखा दिया, चांद को दो टुकड़े कर दिया, चांद दो टुकड़े कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ईमान कबूल नहीं किया। पहले तो ये तय हुआ था कि इनसे कहते हैं, चलो इनसे कहते हैं कि आसमान में यानी कि करके बताओ कोई मौजज़ा, इसके तो जादूगर है, और जादूगर का जादू ज़मीन पर चलता है, आसमान पर नहीं चल सकता, है ना। तो हम इनसे कहते हैं, और जब कहा कि आसमान पर दिखाओ, कहा बताओ क्या करके बताओ, कहा चांद के दो टुकड़े, सरकार ने ऐसे उंगली, सिर्फ उंगली का इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया, और सफ़ा पहाड़ के एक तरफ चांद का आधा टुकड़ा, आधा टुकड़ा इस तरफ, यानी ऐसे दो टुकड़े हुआ और बीच में सफ़ा पहाड़ी, है ना। ये ऐसे ऐसा नहीं कि भाई इधर इधर हो गए, कहने की बात ये कि आपने ताजमहल देखा है कि नहीं, और ताजमहल नहीं देखा तो फ़ोटो देखी होगी, लोग वहाँ जाते ना तो कैसी फ़ोटो पड़वाते, ऐसी ऐसी फ़ोटो पड़वाते, ताजमहल के ऊपर ऐसे हाथ रखे हुए, है ना। असल में वो एक जगह खड़े होकर पोजीशन ऐसी करते हैं कि ताजमहल के ऊपर हमारा हाथ हो उसके गुंबद पर, ऐसा यानी लगता है, और फिर फ़ोटो पड़वाते हैं लोग। ये लोगों का शौक है, पता नहीं इसमें क्या मिलता है इनको खुशी। ताजमहल ऐसा लगता है ताजमहल पर हाथ रख दिया तो मैं बहुत बड़ा हो गया, है ना। तो कहने के बाद ये कि सफ़ा पहाड़ है और चांद वहाँ चमक रहा था, तो यूँ ऐसे टूटा, दो टुकड़े हुआ, तो अब सफ़ा पहाड़ी बीच में नज़र आ रही है, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर हो गया, ऐसे चांद के दो टुकड़े हो गए। तो जब ये हुआ तो अब ये कहते हुए भागे कि मोहम्मद का जादू तो आसमान ऊपर भी चल गया, मोहम्मद का जादू तो आसमान ऊपर, ये कहकर भागे, लेकिन ईमान तो नहीं लाए। हाँ वो खुश नसीब थे कुछ कि जो है ना ईमान ले आए, कुछ तो मौजज़ात देख कर लाए, कुछ बगैर मौजज़ा देखे हुए ईमान ले आए, कि बाज़ ने तो सिर्फ सरकार को देखा तो ईमान ले आए, बाज़ ऐसे थे जिन्होंने कुरान को सुना तो ईमान ले आए, हाँ। तो मुख्तलिफ किस्म के मोमिनीन। तो बहरहाल यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम के मौजज़ात देखकर उनकी इताअत के बजाय उन्होंने आपको कत्ल करने का इरादा किया। तो जब उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की तदबीर की तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तस्लीम को यकीन हो गया, हज़रत ईसा को पता चल गया, और हज़रत ईसा को यकीन और पुख्ता यकीन हुआ बिल्कुल मजबूत कि अब ये जो है ना काफिरी रहेंगे, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो अपने जो मानने वाले थे, जो मोमिनीन थे, मुत्तबईन थे, उनसे आपने खिताब फरमाया और उनसे कहा कि अल्लाह की राह में मेरी मदद करने वाला कौन है, मन अंसारी अल्लाह, अल्लाह की राह में मेरी मदद करने वाला कौन, मेरा मददगार कौन। तो उनके जो ख़ास जो लोग थे उन्होंने कहा हम अल्लाह के दीन के, अल्लाह के मददगार हैं, मतलब अल्लाह के दीन के मददगार हैं, अल्लाह की राह में आपके मददगार हैं, ईसा अलैहिस्सलाम हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे, हम आपके साथ हैं, है ना। और हम इस पर कोई दुनियावी अज्र नहीं मांगते, हमें उसके बदले में कोई बदला नहीं चाहिए, क्यों, इसलिए कि हम तो अल्लाह पर ईमान लाए हैं, हम तो अल्लाह पर ईमान लाए, और आप गवाह रहिए कि हम इताअत गुज़ार हैं, आप हमसे जो कह देंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं, है ना। तो ये इन्होंने कहा कि वशहद बे अन्ना मुस्लिमुन, आप गवाह हो जाएं कि हम आपकी इताअत के लिए तैयार हैं। और फिर इन्होंने जो है अल्लाह तबारक व तआला की जानिब तवज्जो की, यानी अब ये इतना हज़रत ईसा से कहा, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते रब्बना आमन्ना बिमा अनज़लता वत्तबअना वसूला फ़क्तुबना मअ शाहिदीन, ए हमारे रब हम ईमान लाए उस चीज़ पर जो तूने हम पर नाजिल की, और हमने तेरे रसूल की पैरवी भी की, हमने तेरे रसूल की पैरवी की, फ़क्तुबना मअ शाहिदीन, तो ए मौला हम सब को तू शाहिदीन में लिख दे, फ़क्तुबना मअ शाहिदीन, तो तू हम सब को जो है शाहिदीन में लिख दे, और यानी कि हम सब का नाम जो ना वो ईमान वालों में लिख दे, हाजरीन में लिख दे। शाहिद कहते हैं, शाहिद का माना होता है हाजिर, शाहिद का माना होता है गवाह,
है ना, दोनों माना होता है, हाजिर के माने में भी होता है और गवाह के माने में भी होता है। तो गवाह का माना भी किया जा सकता है, हाजरीन का माना भी किया जा सकता है। तो यहाँ इन्होंने यानी कि अल्लाह तू हमें जो है गवाही देने वालों में लिख दे, है ना, शाहिदीन गवाही देने वालों में, हम इस बात की यानी हमने गवाही दी है कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे ये सच्चे नबी और रसूल हैं, हम ईमान लाएं, तो अल्लाह तू हमें गवाही देने वालों में लिख दे। और दूसरा माना भी हम कर सकते हैं हाजरीन का, कि हम तेरी मदद के लिए हाजिर हैं, इन हाजिरों में भी हमारा नाम लिख दे। तो बहरहाल इन्होंने जो है अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ किया, और उसके बाद वह मकरू, ये आयत नंबर यानी कि 53 थी और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 54 है, वो है वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और उन्होंने मकर किया, यहूदियों ने मकर किया, मकर किया मतलब धोखा किया, चालबाजी की, है ना, हाँ, वमकर अल्लाह। अब यहाँ है तो मकर, लफ्ज़ मकर है, लेकिन जब अल्लाह की तरफ नस्बत होगी तो इसका माना धोखा देना, मकर फरेब करना, चालबाजी करना, दगाबाजी करना, ये नहीं। अल्लाह ने तदबीर फरमाई, अल्लाह ने उनके मकरो फरेब का जवाब दिया, अल्लाह ने उनके मकरो फरेब का जवाब दिया, अल्लाह ने तदबीर फरमाई, है ना, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और बेशक अल्लाह बेहतरीन तदबीर फरमाने वाला है, अल्लाह से बेहतर किसी की तदबीर नहीं हो सकती है, अल्लाह सबसे ज़ोरदार तदबीर फरमाने वाला है। तो बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं कि वो जिसकी तरफ नस्बत होगी उसकी हम उसका माना वैसे करेंगे, जैसे कि सलात, है ना, यानी कि जब कभी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से यानी अल्लाह की सलात होगी नबी पर, अल्लाह की सलात नबी पर होगी तो रहमत के माना में होगा, अल्लाह की रहमतें हुजूर पर, है ना, और जब यही सलात फरिश्तों की जानिब से होगी कि फरिश्ते भी सलात भेजते हैं रसूल पर, तो मतलब ये होगा कि फरिश्ते, है ना, रहमत की दुआएं करते हैं, तौबा इस्तिगफार करते हैं, अल्लाह के रसूल की के लिए जो है बुलंदी दर्जात की दुआ करते हैं, ये माना हो जाएगा। और फिर मोमिनीन के लिए आएगा कि मोमिनीन भी सलात भेजते हैं रसूल पर, तो अब माना हो जाएगा कि मोमिनीन दुरूद भेजते हैं, मोमिनीन दुरूद भेजते हैं, है ना, हाँ। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ़ नस्बतें होंगी तो उसका माना मुख्तलिफ हो जाएगा, हर एक की नस्बत के एतबार से बदल जाएगा। तो बहुत से ऐसे कुरान का ट्रांसलेशन करने वाले लोग हैं कि जिन्होंने यहाँ यही कर दिया, उन्होंने मकर फरेब किया तो अल्लाह ने भी मकर फरेब किया माज़ल्ला, अल्लाह ने भी धोखा दिया माज़ल्ला, है ना, अल्लाह ने भी चाल चली, और अल्लाह बहुत ज़ोरदार चाल चलने वाला, ये सारे काम आपको लगता है कि चालबाजी करना बहुत अच्छा काम है? हमारे मुआशरे आम लोगों की बात कर लें और कि किसी के बारे में कहा जाए कि वो आदमी है ना बहुत चालबाज है, मतलब उसकी तारीफ़ हो रही है, हाँ उसकी तारीफ़ नहीं हो रही, वो चालबाज है मतलब ये कि वो लोगों को बॉटल में उतार देता है, ये मतलब हुआ। तो चालबाजी ये कोई तारीफ़ हमारे यानी इंसानों में भी वो कोई काबिल तारीफ़ अमल नहीं है, तो फिर उसका इस्तेमाल अल्लाह के लिए करना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, वो हर ऐब से पाक है, है ना, और चालबाजी तो इंसान के लिए ऐब है तो अल्लाह तो बदरजौला उससे पाक होगा। तो चालबाजी करना, धोखा देना, मकर फरेब करना, अल्लाह के लिए ये वर्ड्स यूज़ करना मुनासिब नहीं है, जायज़ नहीं है, हराम है। सबसे बेहतर ये जो सैयदी सरकार आला हज़रत ने इसका तर्जमा किया, उन्होंने मकरो फरेब किया, उन्होंने चालबाजी की, अल्लाह तदबीर फरमाता है, अल्लाह ने तदबीर फरमाई या उनके मकरो फरेब का जवाब दिया। बाज़ लोगों ने ये कहा कि उनके मकरो फरेब का जवाब दिया, आला हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह ने तदबीर इख्तियार फरमाई, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेशक बेहतरीन तदबीर इख्तियार फरमाने वाला है। अब वो तदबीर क्या है, वो तदबीर जो है ना वो इंशाअल्लाह आइंदा तफसीर में बयान होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों से महफूज रखा, इंशाअल्लाह आइंदा तफसीर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।